वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी हूँ खैरियत से। आज का जो है ना व्लॉग, वो है रमज़ान शरीफ के आखिरी जुम्मा पर, क्योंकि आज जुम्मतुलविदा है, रमज़ान शरीफ का आखिरी इशरा चल रहा है। तो व्यूअर्स, मेरे वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छे से कमेंट किया करें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिले। तो व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले तो मैं सब तमाम जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सारों का शुक्रिया अदा करूँगा। आप इतनी मदद देते हैं, इतने अच्छे कमेंट करते हैं, और जो बुरे कमेंट करते हैं उनको अल्लाह हिदायत दे। मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ आपके कमेंट पढ़कर, और मेरी कोशिश होती है कि जिन जिनके कमेंट आते हैं या मुझे वो व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, तो उनको मैं कॉल अटेंड करूँ, उनको जवाब भी दूँ, और जिनको जवाब नहीं दे पाता तो उनसे मेरी दिली इंतहाई माजरत। बिल्कुल, अभी ना जो टाइम हो चुका हुआ है वो टाइम है तकरीबन, अभी देखते हैं, 12:43 हो चुके हैं। तो हमारी जो मस्जिद है वो मस्जिद बरकत वाली, उसमें नमाज जुम्मा होनी है 1:45 पे। तो अभी से ना हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि हम सैरी करके सो गए थे, थके हुए बहुत ज़्यादा थे, इसलिए ना हम सैरी वाला दिखा ही नहीं सके, क्योंकि रात 2 बजे तो वापस आए हैं, बच्चे ड्यूटी थे, तो उनको लेने करने में मुझे टाइम लग गया, ब्लॉग नहीं बना सके। तो अभी ना हम अभी अपना ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। तो ऐसा है भैया कि अभी हमदा साहब सोए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी करने लगे हैं, और हमदा साहब अभी तक सोए, हमदा साहब को काफ़ी देर से उठा रहे हैं, हमदा साहब उठने, वासे साहब उठाए तो वासे साहब तो उठ गए हैं। वासे साहब, ये देखें जी, वासे साहब उठ गए हैं, अपनी तैयारी करने लगे हैं। हाँ जी, आपका प्रेस हो गया सूट? तो मेरी बेटी जो है ना, वो कपड़े प्रेस कर रही है, मेरा सूट कर दिया वो, उसको वासे खान का प्रेस हो। चल भी हमदा उठ जा भाई, हमदा उठ जाओ, उठ जाओ, चल शाबा टाइम हो रहा है। नूर कहाँ है? नूर को उठाओ ना यार, इतनी ठंड नहीं है, नूर तो रजाई है, वो घुसी हुई है रजाई डाल के। नूर, नूर रजाई क्यों ली हुई है? वो इतनी ठंड है नहीं, गर्मियाँ आ गई, आप रजाई में घुसी हुई, उठ जाओ यार, पुत्र जानी उठ जाओ, जो नमाज की तैयारी करो, चलो शाबाश, नमाज जुमा घर में अदा कर लेना आप लोग। या मदरसे जाना है? मदरसे जाके पढ़ना है? मदरसे जाना है? हाँ, तो फिर उठ जाओ, जल्दी से तैयारी करो मेरे बेटा, आप लोगों को मदरसे छोड़ दूँ और मैं, हम लोग भी मस्जिद में पढ़ने की तैयारी करें, टाइम बहुत कम है, हम तो उठ जाए यार, फिर मस्जिद में जगह नहीं मिलनी, उठ जाओ, चल शाबाश। तो व्यूअर्स, अभी मैं जो ना जा रहा हूँ फ्रेश होने, मैं फ्रेश हो गया तो फिर आ सकती हूँ बकरात। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्रेश होकर आ गया हूँ, नमाज जुमा की तैयारी कर ली है, तो अभी देखते हैं चल के इत्र लगाते हैं, इत्र लगा के, क्योंकि अल्लाह का फरमान है कि जब भी मस्जिद जाओ नमाज जुमा के लिए, नहा धो के फ्रेश होकर खुशबू ला के जाओ, तो वो तो मिल नहीं रहा, बड़ी स्प्रे पड़ा। तो व्यूअर्स, मैंने ना एक छोटा सा सवाल भी करना कि इत्र तो ख़त्म हो गया, क्या रोज़े की हालत में ये बॉडी स्प्रे वगैरह बॉडी पर यूज़ हो गई, ये जंग हो जाता है, क्योंकि यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? अगर किसी को मेरा भाई जो इस मामले में ना थोड़ी सी इल्म रखता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा कि इस पर रोदे का असर, तो रोदे पे कोई असर तो नहीं पड़ता इसका? वैसे खुशबू लगा के जानते हैं, मैंने बताओ खुशबू इसको इस्तेमाल किया है, बस थोड़ी सी कुरान पाक की तिलावत कर लें, फिर 1:00 पूरा 1:00 गया, 1:00 तो 1:20 पर इंशाल्लाह मस्जिद में इंटर होगा, फिर कुरान पाक की तिलावत कर लें। अभी रेडी हो गया मैं भी, और अल्हम्दुलिल्लाह पापा भी कुरान पाक पढ़ लिया है, और वासे ने भी, अभी हम जा रहे हैं मस्जिद। चलो मेरे नाम अपने पैर ना, चलो चलो पहुँच गए हम, अभी चलते हैं मस्जिद, पढ़ते हैं नमाज। तो इसी तरह मुसलमानों में यहूदी छोड़े जो इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर आए और लोगों का सहाबत से एतमाद उठाया, ताकि जदीद जो सहाबत दरमियान से निकलने के लिए, और इन्होंने ये मनसूबा बताया कि हमें दुनिया पर हुकूमत करनी चाहिए, हम इस काबिल हैं कि दुनिया पर हुकूमत कर सकें। नहीं, एक बार बस, 87 साल लड़ाई के बाद, रात के बाद,
तो 2000 साल तक यहूदियों का इसमें कोई अमल पता नहीं था, लेकिन उनकी तबीयत पे शरारत है, अब फिर उन्होंने ये मंसूबा बनाया कि हमें यहाँ सजा करना चाहिए। पापा भी आ गए हैं नमाज पढ़ कर, और ये मस्जिद है पूरी। नमाज पढ़ कर आ गए, पापा ने भी नमाज पढ़ लिया, मैंने भी नमाज पढ़ लिया, अब फिलवासे ने भी नमाज पढ़ लिया, और अभी जा रहे हैं घर। हम नमाज पढ़ कर आए, ऊपर जाने लगे हैं, वासे कहता है ना यहाँ पर हैवी बाइक खड़ी है, मैंने देखनी है, तो सुपर बाइक ना खड़ी, तो 2-3 से मुझे कह रहे हो। वैसे आप क्या कह रहे हो, कहाँ पर है, चलो दिखाओ, हाँ चलो चलो दिखाओ कहाँ पर है। देवर ये वाली कह रहा है, इसको ये वाली पसंद है। लाइट भी है, लाइट भी है इसकी, इसको भी दिखाना, वो भी हाँ, ये LED मीटर है इसका ना, डिजिटल है इसका। बैठो इसके ऊपर बैठो, बैठाऊं आपको इसके ऊपर। ये चीज ऐसी रहनी है आप, इंशाल्लाह बड़े जब फिर आप जब एहसास बनेगा ना तब आपको ले करेंगे इंशाल्लाह। कैसी लगी बाइक आपको, हैं बहुत अच्छी लगी है, तो जब आप बड़े हो जाएंगे फिर आपको ऐसी लेके जाएंगे, ठीक है ना इंशाल्लाह। जब आपका लाइसेंस बन जाएगा, ऐसे नहीं जब लाइसेंस बनेगा तब आपको बाइक मिलेगी इंशाल्लाह, तो आप बड़े होंगे ना। हाँ जी, जुम्मा नमाज पढ़ के घर आ गए थे, और उसके बाद ना अभी मैं जा रहा हूँ, तो पापा ने क्या सीढ़ी और सीढ़ी लेकर ना उधर जहाँ हमने रात को कनेक्शन नया किया ना, तो वहाँ पर आ जा पापा कहते हैं, मैं सीढ़ी लेकर भी वहाँ पर जा रहा हूँ। अभी चलते हैं नीचे सीढ़ी लेते हैं, सीढ़ी लेकर फिर मैं आपसे मिलता हूँ, उधर पहुँच कर कनेक्शन ली जगह पर, काम वगैरह कर कर आ गए थे, उसके बाद थोड़ी नींद आ गई थी, पापा ने क्या गाड़ी का सामान लिया लेके जा रहा हूँ। आजा वासे, सामान लेना, इफ्तार का सामान लेकर आपसे मिलता हूँ बाहर। सामान लेकर आ गए, ये देखिए वासे उनके साथ खेल रहा है, छोटी बेबी के साथ खेल रहे हैं। आप इनके साथ खेल रहे हो, खेलो खेलो, मैं अभी अभी आया हूँ, सामान लेकर अभी चलते हैं अंदर, पापा को देखते हैं क्या कर रहे हैं, चलते हैं। पापा मजाक रात देख रहे हैं, मेरी प्याज काट रही है, ये लो सामान।
हाँ जी अफ्तारी में रह गए 5 मिनट और अफ्तारी में दिखाता हूँ क्या क्या है। दही भले हैं और समोसे हैं। अभी मैं टैंक बना रहा हूँ, उधर से आलू छील रहे हैं दही भले के लिए। और पापा ये क्या बना रहे हैं? समोसे, समोसे बना रहे हैं। और टाइम सिर्फ 5 मिनट रह गए। पानी बना लो जल्दी से। हाँ पानी बुला लूँ मैं। अफ्तारी का टाइम हो गया, अभी अफ्तारी करने लगे हैं और अफ्तारी करके आपसे मिलते हैं। पापड़ी डाल दो ना। अफ्तारी करके आपसे मिलता हूँ मैं भाई। मैंने अफ्तारी कर ली है और अभी पापा चले गए नमाज़ पढ़ने। मेहताब सारा सामान समेट रही है, वहाँ से यहाँ पर बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है। और मैं भी अभी जाऊँगा नमाज़ पढ़ने। और आपसे आपसे चाहता हूँ इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर ज़रूर से कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। और वहाँ से आपसे कुछ कहेगा, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। अल्लाह हाफिज़ कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।